दस सना ठाकुर दोस्तों, आज ना आपको एक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार कि प्रिंसिपल कभी नहीं बदलते, टेक्निक बदलती रहती है। तो अभी नेक्स्ट जनरेशन का रियल एस्टेट के बारे में बात करूँ, आज की डेट की मतलब क्या ज़रूरत है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि रेंटल पे जाओ, बहुत लोग वापस आ रहे हैं शहरों में, अब रेंटल पे धुआंधार चालू है। अब वो सिचुएशन एकदम सही निकली, प्रेडिक्शन एकदम सही निकला। हुआ क्या अभी सीन कि क्लाइंट बहुत हैं पर प्रॉपर्टी नहीं है अपने पास देने को। आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं महसूस कि क्लाइंट बहुत हैं, प्रॉपर्टी नहीं है रेंट पे देने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बंद हुआ है, आ गए हैं, अब क्या करें। और बड़ा ऐसा आपके पास क्लाइंट हो, प्रॉपर्टी नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। आप ब्रोकर को कॉल लगा रहे हो सबको, आपको लगता है वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं यार, दिखा नहीं रहे हैं। उसके पास भी प्रॉपर्टी नहीं है, एक है तो उसमें चार चार लगे हुए हैं, या सवेरे आई तो पहले ही। अब तो उस ऐसी चीज़ों से कैसे निपटें, सिचुएशन कुछ भी हो, जो मास्टर आदमी है वो कहीं भी अपने आपको उसका फ़ायदा उठाता है इन चीज़ों का। तो पहली चीज़ तो ये है कि दोस्तों, आज के डेट में जिसके पास प्रॉपर्टी है वो बहुत भारी है। ओनर जितने हैं आपके हाथ में उतना ही आप ज़्यादा सॉलिड रहोगे, क्योंकि बाकी तो दूसरे के थ्रू नेटवर्क करके क्लाइंट डायरेक्ट आके सब काम कर देंगे, पर आपके पास प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए, तो वसूल एकदम सिंपल है, 50 प्रॉपर्टी एटलीस्ट आपके पास, 50 प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट चाहिए एंड मिनिमम 200 प्रॉपर्टी फॉर सेल। ये है तभी आपका बिजनेस सही है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं कम कर रहे हो। अब ये नहीं मिल रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है बताओ सनत। तो नहीं मिल रहा है ना, तो वहाँ एक और एक बड़ा आया है अभी कि ब्रोकर नेटवर्क कंपनी, सुना होगा आपने, वो आ गई है, वो ना प्रॉपर्टी देने लगी है आपको। 1000 रुपये अभी भर के हमने लिए थे, बड़ा बढ़िया है, काफ़ी प्रॉपर्टी निकल जाती, तो आपका बहुत सारा टाइम वो बचा देंगे। अब आगे उनके क्या प्लान होंगे मुझे पता नहीं है, बट वो वहाँ से आप ले सकते हो, मैंने यूज़ किया है और सही है। मतलब यह महीने में 2-4 प्रॉपर्टी का काम हो गया तब भी पैसा वसूल है ना अपना, समझ रहे हो ना। क्योंकि मुझे किसी ने बोला था सर प्रॉपर्टी कैसे निकाले, अभी ये देखो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अभी चीज़ें आएंगी, आपको थोड़ा सा अपडेटेड भी रहना है, पुराने तरीके से काम नहीं करना है। तो प्रॉपर्टी जितनी जिसके पास है वो अभी भारी आइटम है, वो उसका फॉर्म में रहेगा बिजनेस, और लीड अपने आप आ रही है, उसकी आप चिंता मत करो। दूसरी चीज, अगर अभी ये थोड़ा सा ऐसा सीक्रेट जैसा शेयर कर रहा हूँ कि खुद के पास प्रॉपर्टी है ना, वो डायरेक्ट ही करो, ब्रोकर के थ्रू करो ही मत। अब कोई नाराज भी होगा यार क्या सिखा रहे हो सनत, बट अगेन बिजनेस है, हम यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी मैंने देखा ना, डिमांड सप्लाई पे पूरा चलता है। अभी मेरे पास एक फ्लैट है, मुझे मालूम है ना ये आया है कि ये जाएगा, मैं क्यों करूँगा फिर ब्रोकर के थ्रू, डायरेक्ट क्यों ना कर लूँ, समझ रहे हो। क्योंकि मुझे गारंटी है भाई कि और किसी के पास नहीं है और डिमांड बहुत है इस चीज़ की, तो मेरे टर्म्स कंडीशन पे काम होगा। और दूसरा इसी का पहलू ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे ब्रोकर के थ्रू काम करो, अभी उनके फ्लैट देखो, उनके साथ बिजनेस कर लो, किसी को पता लगे भले अपना फ्लैट बचा रह जाए तो उनका भी फ्लैट अपने पास आ रहा है, आप उन अपना डायरेक्ट कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा कॉमन सेंस के साथ करना, ऐसे नहीं कि एकदम जो मैंने बोल दिया करना। अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा फ्लैट जो है, ये ओनर बोल रहा है जल्दी कर जल्दी कर, तो भाई किसके साथ भी कर ले। एक ओनर है, उसने मेरे को चाबी दे के रखी है, बोलता है कोई टेंशन नहीं सनत, जब मर्जी है तब करना, क्यों ना मैं डायरेक्ट कर लूँ, समझ रहे हो। सहूलियत, डबल पैसा अच्छा है ना सिंगल से, कोई चोरी कर रहे हैं क्या, गलत है क्या, नहीं आगे ना बिजनेस के लिए आए हुए। तो ये चीज़ें आपको ना बेसिक है, समझना पड़ेगा, तो ये करो। दूसरा, अभी आप अलर्ट हो जाओ, देखना सेल बढ़ने वाली है, क्योंकि कोविड का सिचुएशन क्या है, रेंट पे फ्लैट नहीं मिल रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे, खरीद लो। और कौन से, मतलब 30-40 लाख के 1 BHK, 50-60 लाख के 2 BHK, 70-80 लाख के 3 BHK, ये सब हॉट केक जैसा सेल हो रहा है मार्केट में, इनको टारगेट करो। और जब भी टारगेट करो, 3 ऑप्शन रखो, सेम बजट के 2-3 प्रोजेक्ट को एक साइड में 5-10 किलोमीटर में मार्क करो, कि तीनों में से कहीं ना कहीं कस्टमर सेट हो जाएगा, ये बहुत अच्छा काम होता है। खाली एक रखा तो फिर मुश्किल होता है कि नहीं इसी को बेचेंगे, दूसरा भी दिखाओ तीसरा भी। कई बार अपने को लगता है ये बहुत अच्छा है यही बताऊँ, वो उसको डिसाइड करने दो, आप उसका डिसीजन भी खुद मत लेते जाओ, जितना वो अपने मन से करता है उतना अच्छा है, जबरदस्ती आप वही मत फोर्स करो कि ये बेचे। तो ये चीज़ों से देखना आपको बहुत फायदा होगा। तो क्या अभी रेंटल की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है,
खुद डायरेक्ट करो, नहीं तो दूसरे ब्रोकर की प्रॉपर्टी है, अपना क्लाइंट है, वो चलेगा। सेल पे अभी बिजनेस बढ़ने वाला है, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना चालू कर दो, और आगे चल के भी रेंटल की तकलीफ बहुत होने वाली है दोस्तों। क्यों ऐसा? क्योंकि मैं जिस ग्रुप में हूँ उसमें हर तीसरा मैसेज आता है, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, कि मेरा एक दोस्त फ्लैट देख रहा है किराए पर विदाउट ब्रोकरेज मुझे करना है। माई फ्रेंड, माई रिलेटिव लुकिंग फॉर 2 BHK फुली फर्निश्ड विदाउट ब्रोकरेज, प्लीज़ मैसेज मी। तो ये सारा चालू है, या किसी को देना है तो माई फ्लैट इज़ अवेलेबल फॉर रेंट, यू नो। तो सब लोग यही कर रहे हैं, तो अभी ये कॉम्पिटिशन बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ये हमारे धंधे को चौपट करने पे तुले हुए हैं। ऊपर से नो ब्रोकर, आप जानते हो कंपनी क्या कर रही है, और वो ऐसी नहीं, और कई तो भी कंपनियां आ रही हैं। तो छोटे बोलते ना, बड़े जो मच्छी है छोटे मक्खियों को खाते हैं, तो ये होने वाला है अपने बिजनेस में। आपको अभी बहुत सॉलिड रहना है, और एक चीज़ है जो आपको इनसे कोई फर्क डरने की ज़रूरत नहीं है, वो है कि मेरी सर्विस को इतना बेहतर करूँगा ना, कोई कितनी भी बड़ी कंपनी आ जाए उसके कोई नज़दीक नहीं जाएगा। क्योंकि जो हम पर्सनलाइज सर्विस देंगे ना, उसका कोई आज तक धरती पे तोड़ नहीं है बॉस, कितनी भी ऑनलाइन फॉनलाइन आ जाए और कुछ भी कर ले, है ना। तो अभी जैसे दूध का एग्जांपल, कोई पैकेट में देता है, ये है सब है, लेकिन एक भैंस दूध निकाल के प्योर दे रहा है और अपने को मालूम है, तो मैं कभी प्रेफर करूंगा कि मेरे सामने आए ना भैंस का दूध निकाल के वो लेके आता है एकदम फ्रेश चीज़, वो मुझे एनी टाइम बेटर लगेगा। कोई सस्ता देता है क्या है, हर आदमी सस्ता ही नहीं देखता, और आपको बोल रहा हूँ, किसी को ऐसा ठाट बाट से यू नो सर्विस चाहिए यार, सब खुद नहीं करते हैं। तो उसकी चिंता मत करो, खाली स्मार्ट और हार्डवर्क दोनों बनो। खाली स्मार्ट बन के बैठे रहोगे तब भी काम नहीं चलेगा, मेहनत करोगे, दिमाग यूज़ नहीं करोगे तब भी काम नहीं चलेगा। आज का टाइम बदल रहा है, और ऐसे अपनी ये धीरे धीरे टेक्निक को बदलते रहो। तो थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो आपको कैसे लगा, और ये चीज़ों को आप अप्लाई करोगे ना तुरंत इसका फ़ायदा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करो, क्योंकि एक साल बाद देखोगे इस वीडियो की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी आज के डेट में, यू नो। तो वो चीज़ को समझो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।